नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, इस समय पर गन्ने की फसल के अंदर जो पायरिला का अटैक है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप इस खेत के अंदर देख पाएंगे, मैं इस खेत के अंदर आया हूँ और इस खेत के अंदर जो पायरिला का अटैक है वो हिसाब से कुछ ज्यादा ही है। यानी कि आप ऐसा मान सकते हैं कि पूरे खेत को लगभग 60 से लेकर 70% तक पायरिला ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। किस तरीके से आप इसकी पहचान कर पाएंगे, किस तरीके से इसे कंट्रोल कर पाएंगे, किस तरीके से हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है, क्या इसका जीवन चक्र है और किस तरीके से इसे रोका जा सकता है, कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो का पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। साथ ही साथ पायरिला के साथ साथ जो तितली हमारी फसल के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जो बार बार हमारी फसल के अंदर उड़ रही है और हमारी फसल को खा रही है, उसे भी किसान भाई ये कंट्रोल कर लेगी। या फिर जो सुंडी हमारे गन्ने में ऊपर से बढ़ करके चल रही है उस पर भी इसी स्प्रे से कंट्रोल हो जाएगा। ये यानी कि मतलब कहने का यह है कि एक स्प्रे यदि आप करेंगे तो 2 से लेकर 3 रोगों को, 2 से लेकर 3 बीमारियों को आप अपने गन्ने की फसल से बचा पाएंगे। अब पायरिला क्या है ये आप देख सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको जैसे ही इन पौधों के ऊपर हाथ लगाऊंगा, आपको यहां पर पायरिला जो है बहुत ही बुरी तरीके से उड़ता हुआ नजर आने वाला है। आप देख सकते हैं यहां पर, देखिए इस तरीके से, यानी कि पूरे खेत के अंदर किसान भाइयों पूरा पायरिला, यानी कि एक एक पौधे के ऊपर ये बहुत ही बुरी तरीके से जो है किसान भाइयों लगा हुआ है। ये करता क्या है और किस तरीके से हमारी फसल को ये नुकसान पहुंचाता है, तो यहां पर आप समझ लीजिए। जैसे ही ये पत्ते के ऊपर बैठना चालू करेगा, पत्ते के जितना भी रस होगा उस रस को ये चूसना चालू कर देता है। जब पत्ते का रस ये चूस लेगा तो पत्ते के अंदर जो जान है वो किसान भाइयों नहीं बचती है। पत्ते के रस को चूसता रहेगा, पत्ते के ऊपर किसान भाइयों एक लार्वा टाइप पानी जैसा पदार्थ को ये छोड़ता रहता है। जब ये पदार्थ हमारे पत्ते के ऊपर लगातार लगा रहेगा तो इससे किसान भाइयों ब्लैक फंगस यानी कि काली वाली फंगस जो है वो हमारे गन्ने पर लगनी शुरू हो जाती है। गन्ना हमारा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, गन्ने के पत्ते हमारे काले पड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख भी पाएंगे, ये पत्ते जो है बिल्कुल अब काले काले से पड़ने शुरू हो गए हैं। पूरे गन्ने को किसान भाइयों इसने जो है कुतल लिया है, पूरा गन्ना आपका बेकार हो चुका है। इस तरीके से जैसे ये तो किसी और वजह से रहेगा, यहां पर आप देख पाएंगे गन्ना बिल्कुल काला पड़ना चालू हो जाएगा, पत्ते बिल्कुल काले पड़ने शुरू हो जाएंगे। बुरी तरीके से जो फंगस है वो हमारे गन्ने के ऊपर किसान भाइयों फैलनी शुरू हो जाती है। जैसा कि मैं इस वाले पत्ते को आपको दिखा रहा था, तो ये हमारे इसकी वजह से नहीं, ये किसान भाइयों हमारे खेत के अंदर जो लोह तत्व है, लोह तत्व की कमी, अगर हम फेरस सल्फेट डालते हैं तो ये जो दिक्कत गन्ने के अंदर आ रही है, जो पीलापन इसके अंदर आ रहा है, ये लोह तत्व से खत्म होता है, फेरस सल्फेट से खत्म हो जाता है। लेकिन आज वो टॉपिक नहीं है, आज टॉपिक है हमारा पायरिला, या फिर जो हमारे गन्ने के अंदर इस समय पर अंदर से गिनार चल रही है उसका, कि इन दोनों को हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है। अब मैं आपको एक बार और अच्छी तरीके से दिखाता हूं कि पायरिला किस तरीके से इस गन्ने के अंदर लगा हुआ है जिससे हम अपने गन्ने की फसल को बचा पाएंगे। अब आप देख पाएंगे यहां पर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों आपको दिखाऊंगा कि पायरिला कैसा होता है। ये देखिए आप, ये बहुत देख सकते हैं पूरे पत्ते को जो है किसान भाइयों इसने कंट्रोल किया हुआ है, पूरे पत्ते की इसने हालत खराब कर दी है इस तरीके से। अब देखिए जैसे हम चलते हैं तो ये कितनी ज्यादा मात्रा में उड़ेगा हमारे आगे आगे, ये देख सकते हैं किसान भाइयों पूरे पत्ते के ऊपर, ये देखिए बहुत ही बुरी तरीके से। अब पूरा पत्ता जो है आपका ये ब्लैक पड़ना शुरू हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं पीला पीलापन पत्ते के ऊपर आना शुरू हो गया। जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ती रहेगी, ये रस हमारे गन्ने का चूसता रहेगा और रस के साथ साथ किसान भाइयों हमारा जो गन्ना होगा उसकी बढ़वार भी रुक जाती है। तो इससे ऐसा नहीं है कि ये एक ही नुकसान दे रहा है, ये बहुत बुरी तरीके से हमारे गन्ने के ऊपर नुकसान किसान भाइयों पहुंचाता है। पूरे खेत के अंदर आप देख सकते हैं एक एक पत्ते के ऊपर ना जाने कितना कितना ज्यादा ये लगा हुआ है। तो अब हम इससे किस तरीके से अपनी फसल को बचा सकते हैं, तो इसके बचाने का तरीका क्या है आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए। इसका जो जीवन चक्र है, यानी कि जो हमारी ये एक इसकी मादा होती है, ये लगभग लगभग किसान भाइयों 200 से 250 अंडे देती है। एक बार में नहीं, एक बार में लगभग ये 50 अंडे देगी, 50 को ये पैदा करती है, उसके पूरे जीवन चक्र में 200 से लेके लगभग 250 अंडे देती है, यानी कि इतने ज्यादा ये पायरिला पैदा कर देती है। इनका जीवन चक्र अगर देखा जाए एक तरीके से, तो लगभग अगर मौसम के अंदर ठंडक है तो किसान भाइयों ये जो है 30 से 40 दिन तक कवर कर लेता है, और अगर किसान भाइयों गर्मी अगर पड़ रही है तो ये काफी लंबे लंबे समय तक भी किसान भाइयों जीवित रह जाता है और हमारी फसल को ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो पायरिला से जो है आपको अपनी फसल को किस तरीके से
बचाना है, क्योंकि इसका जैसे ही अटैक हमारी फसल के अंदर होगा, फसल की जो बढ़वार है वो बिल्कुल ही जगह पर रुक जाती है, फसल बढ़ना बंद कर देती है, फसल के अंदर फंगस भी लग जाती है। और ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब फंगस हमारी फसल के अंदर लगेगी तो फसल की बढ़वार बिल्कुल भी नहीं होती है। एक फंगस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यानी कि एक रोग यदि हमारे खेत के अंदर लग जाता है तो उससे न जाने फिर धीरे धीरे मल्टीपल रोग लगने शुरू हो जाते हैं, बार बार उसके अंदर नए नए रोग उसके अंदर आ जाते हैं। तो इसे हमें यहीं पर कंट्रोल कर लेना है। अब जो दवाई यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं, ये दो दवाइयां मैं आपको बताऊंगा, दोनों को आपको आपस में एक साथ मिक्स कर लेना है। दोनों को मिलाकर के यदि पूरी फसल के अंदर आप अच्छी तरीके से इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल के अंदर अगर पारेला है तो यह भी किसान भाई दो से लेकर तीन दिन के अंदर जड़ से समाप्त हो जाएगा। दूसरा, यदि आपके खेत के अंदर जो उड़ने वाली तितली है उसका अटैक हो चुका है तो उस पर भी इसका कंट्रोल हो जाएगा। तीसरा, जो गन्ना हम तोड़ रहे हैं ऊपर से और उसके अंदर जो हमारी सुंडी टाइप निकल रही है, जो गिंडार टाइप हमारी उसके अंदर निकल रही है, उस पर भी इसका कंट्रोल हो जाएगा। तो कौन सा स्प्रे कितनी मात्रा में लेना है, किस तरीके से इनका उपयोग करना है और किस तरीके से हमारी फसल को बचा पाएंगे, संपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जो सबसे अच्छा स्प्रे मुझे लगता है वो आप ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% SL फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, इसे आप ले लीजिए। इसके जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 500, यानी कि 500 ml की मात्रा आप इमिडाक्लोप्रिड की ले लीजिए और इसे किसान भाइयों आपको पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर एक स्प्रे और भी मिलाया जाएगा, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो 500 ml की जो इसकी मात्रा होगी, जब आप इसका स्प्रे पूरे खेत के अंदर काम करते हैं, स्प्रे आप करने का तरीका यह है कि पत्ते अच्छी तरीके से भीग जाने चाहिए, कोई भी पत्ता ऐसा ना बचे कि पत्ते के ऊपर पानी नहीं पहुंचाए, क्योंकि जब तक पानी नहीं पहुंचेगा, जब तक दवाई हमारे पत्ते पर नहीं पहुंचेगी, पारेला का अटैक नहीं खत्म होगा। और यदि गिंडार का भी अटैक हमारे आपके गन्ने के अंदर है तो कोशिश करनी है कि गोब के अंदर पानी पहुंच जाए। तो इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ से स्प्रे करके चलें ताकि पत्ता भी अच्छे से भीग सके और हमारा जो गन्ने की गोब है, गोब के अंदर तक पानी जा सके। क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से आप पत्ते को भिगो देंगे हमारे खेत के अंदर, जितनी अच्छी तरीके से स्प्रे हो जाएगा उतनी अच्छी तरीके से ये हमारी फसल के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। तो ये एक बहुत ही शानदार वाला स्प्रे है। इसके अंदर आपको सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो ये अंडे बनने की प्रक्रिया होती है ये भी किसान भाइयों कंट्रोल करती है, अंडों को मार लेता है। जब अंडों पर अंडे पहले ही किसान भाइयों मर जाएंगे तो बाद में हमारी फसल के ऊपर इनका जो अटैक है वो नहीं हो पाता है। एक खास बात मैं आपकी और बता दूं कि जैसे कि ये होते हैं, ये आपको पारेला ऊपर की तरफ दिखाई देगा, लेकिन जो ये अंडे देते हैं ये उल्टी साइड में, पत्ते की बैक साइड में किसान भाइयों ये अंडे देते हैं, जिन्हें के किसान भाई आसानी के साथ नहीं देख पाते हैं। और किसान भाई ये सोचते हैं कि पारेला कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ा इसका कोई खतरा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर लंबे समय तक पारेला चलता है तो गन्ने की बढ़वार तो रुकेगी रुकेगी, पूरे गन्ने को चूस लेगा, इसे खा जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक वाला रस चूसक कीट है। तो इससे आपको अपनी फसल को जरूर बचाना है। तो पहला स्प्रे तो जाता है हमारे पास इमिडाक्लोप्रिड, जिसका स्प्रे आपको करना है। अब दूसरा स्प्रे हमें कौन सा लेना है, क्योंकि दूसरा स्प्रे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तितली का अटैक भी देखने को मिल रहा है, गेंडार का अटैक भी देखने को मिल रहा है और पारेला तो है ही, तो तीन तीन बीमारियां यहां पर है। अगर आप बार बार स्प्रे करेंगे तो बार बार आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है एक ही स्प्रे के अंदर आपको दोनों स्प्रे मिला लीजिए, जिससे कि एक बार स्प्रे करके आपको बार बार की मेहनत ना करनी पड़े, एक ही बार में आपका काम हो जाए। तो दूसरा स्प्रे आप लेंगे क्लोरोपेरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन। क्लोरोपेरीफास साइपरमेथ्रिन जो 40 और 4 में आपका आ रहा है, इसकी मात्रा आपको लेनी है लगभग लगभग 400 से लेके 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अब आपको लगेगा इसकी जो डोज है वो मैंने कुछ ज्यादा बता दी, लेकिन डोज ज्यादा बताने का मेरा मतलब जो है, जो मेरा मकसद है वो ये है कि पारेला का अटैक भी रुकेगा, साथ में तितली और गिंडार का अटैक भी रुकेगा। क्योंकि किसान भाइयों अगर इन सबको हम एक साथ कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी फसल पर कोई भी नुकसान नहीं होता है, हमारी फसल अच्छी तरीके से हरी भरी होकर के चलती है और पैदावार भी हमें ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो इन दोनों की इतनी इतनी मात्रा लेकर के लगभग 150 से लेकर 160 लीटर पानी ले लीजिए और उसके अंदर मिक्स करके यदि आप इसका स्प्रे करते हैं तो बेहतरीन वाले शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। स्प्रे करने के एक से दो दिन के बाद आपको अपने खेत की सिंचाई करनी है, जिससे कि हमारे खेत के अंदर और भी अच्छी तरीके से उत्पादन हमारा गन्ना निकाल करके दे सके। तो इन बीमारियों से बचने का इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं हो सकता। तो उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।